नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों कल दोपहर करीब 2:37 पर एक बहुत ही बुरी खबर निकल के आई है। करीब करीब दोपहर 2:37 के करीब उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। चंडीगढ़ से लौट रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोंडा के पास हादसे का शिकार हो गई। यहां गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डब्बे पटरी से उतर गए थे। इस रेल हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं कई लोग घायल भी हो गए हैं। हादसे की वजह से इस रूट पर गुजरने वाली 11 ट्रेनों को अब डाइवर्ट कर दिया है और 2 ट्रेनों को अभी हाल फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। इस हादसे के बाद एक तरफ जहां राहत और बचाव के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस रूट से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन भी कर दिया गया है। साथ साथ यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर भी खोल दिए गए हैं। गोंडा ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, इन दोनों की अब शनाख्त हो गई है। इधर घायलों में से सबसे ज्यादा घायल बिहार के हैं। गोंडा जिले के 4 लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में। हादसे के बाद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन के यात्री झुके हुए स्लीपर कोच की आपातकालीन खिड़कियों दरवाजे से बाहर निकलने और अपना सामान बाहर निकालने की जुगत में लगे रहे। इसी कोच में यात्रियों ने एक दूसरे की मदद से खिड़कियों के शीशे तोड़कर घायलों और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। अब रेल मंत्रालय ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। रेल मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। CRS जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिरकार हमारे देश की रेल व्यवस्था कितनी कमजोर है, जहां से पटरियों पर से रेल के डिब्बे नीचे उतर जाते हैं और इस तरह के आए दिन हादसे होते रहते हैं। इन हादसों के होने के बाद सरकार मुआवजे का ऐलान कर देती है और कुछ ही दिनों के बाद सब लोग इस हादसे को भूल भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।